सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। गाइज, आज का वीडियो से आप लोग का कुछ मतलब वीडियो स्पेशल होने वाला है और आप लोग का कुछ कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि गाइज आप लोग एक चीज सोचते हो कि आखिर इसका चैनल इतना ज्यादा ग्रो कैसे हो गया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है। 10K होने का मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, ये नहीं है। बट गाइज, आप लोग का मन में एक कंफ्यूजन जरूर चलता है कि आखिर इसका इतना व्यूज कैसे आता है, इसका इतना सब्सक्राइबर कैसे आता है, आखिर इसके पीछे कौन कौन है, इसको किसने किसने मदद किया कि इसका चैनल इतना ज्यादा ग्रो हो गया। तो गाइज, आप लोग को सब कुछ मैं बताऊंगा कि मेरा कैसे इतना ज्यादा मतलब चैनल चलने लगा अचानक से, और ऐसे इतना ज्यादा मतलब व्यूज ये सब कैसे आ जाते हैं, और इतना बड़ा मेरा फैमिली का होने का पीछे क्या रीजन है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल है और साथ ही ये थोड़ा सा आप लोग को जानकारी भी मिलेगी इस वीडियो से, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोग सोचते हो कि बार बार कि आखिर अपडेट ज्ञान जो कार्तिक का चैनल है इतना ज़्यादा ग्रो कैसे हो गया, ठीक है, अचानक से इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आते हैं। तो आप लोग का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, वरना इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता। बट गाइज, आप लोग को रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि इतना ज़्यादा कैसे इसका ग्रो हो गया। तो गाइज, मेरा चैनल ग्रो होने के पीछे 3 रीज़न है, ठीक है, मेरा चैनल ग्रो होने के पीछे। अब गाइज, रीज़न क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट रीज़न है कि ऑडियंस, अगर आप लोग ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो इतना ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं होता चैनल, होता तो बहुत ही दिन मतलब लग जाते, ठीक है। लेकिन गाइज, इतना जल्दी ग्रो होने का पीछे रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है आप लोग, ऑडियंस। मेरे ऑडियंस ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया तभी जा करके मेरा इतना ज़्यादा मतलब व्यूज़ आते हैं, इतना बड़ा मेरा फैमिली हो गया बहुत ही जल्दी। तो गाइज, फर्स्ट रीज़न है मेरा ऑडियंस। सेकंड रीजन है मनोज भाई, क्योंकि मनोज भाई भी अगर सपोर्ट नहीं करते तो मेरा इतना जल्दी नहीं होता। अब गाइस, मैं थर्ड रीजन बताऊंगा, टॉपिक। अब गाइस, आप लोग बोलोगे कि हम लोग मतलब जैसे मैं बताया 3 रीजन कि ऑडियंस, मनोज भाई और टॉपिक, तो वो कैसे, तो चलिए कुछ दिन का पहले का आप लोगों को कुछ मैं चीजें बताता हूं। जैसे कि गाइस, पबजी बैन हुआ था, आप लोग को सभी को पता है, ठीक है। तो गाइस, 1-1.5 महीना पहले की बात है जब पबजी बैन हुआ था। तो गाइस, जब पबजी बैन होता है ना, तो मैंने न्यूज जैसे ही सुना तो वो तो ट्रेंडिंग टॉपिक में जाता ही, क्योंकि पबजी बैन मतलब ऑल ओवर इंडिया से भी बाहर के लोग खेलते हैं पबजी गेम को, तो ये तो मैं मुझे पता था कि ये ट्रेंडिंग न्यूज है जो आया कि पबजी बैन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये जैसे ही मुझे पता चला तो मैं कुछ नहीं देखते हुए तुरंत आया और वीडियो को बना डाला। जैसे कि आप लोगों को देखने मिलेगा मेरे चैनल पर अभी भी है पबजी बैन इन इंडिया, और वो मैं बहुत ही हड़बड़ी में बनाया था, जो मुझे समझ में आया था मैं बोल दिया था, ठीक है, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो वो गाइज, पबजी बैन का जब भी ट्रेंडिंग आया तो मैंने इसलिए उतना जल्दी दिया क्योंकि वो देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आपका चैनल छोटा भी होता है तो आप लोग को कुछ मतलब व्यूज दे देता है, तो उस टाइम मेरा चैनल छोटा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो को डाल देते हैं, कुछ ना कुछ व्यूज मुझे भी मिल जाएंगे। तो गाइज, वो सच कर मैंने वीडियो को डाल दिया। तो देखिए हुआ क्या था, उससे पहले मनोज भाई भी मेरा सेटअप का वीडियो बना करके लेके गए थे, बोले थे कि डाल देंगे, बट वो नहीं डाले थे। तो देखिए क्या हुआ था, मैं डाला था पबजी वाला वीडियो, ठीक है, और पबजी वाला जैसे ही वीडियो डाला तो उस रात को मेरा ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया, 400-500 करीबन गया था, क्योंकि उस दिन मतलब देखिए चैनल छोटा था और सब्सक्राइबर भी कम थे, तो उतना व्यूज़ आ गया तो वही बहुत है मेरे लिए, 400-500 व्यूज़ आ गए थे। तो अब क्या हुआ, उसका जो बाद वाला दिन था तो सुबह तक देखा तो कुछ व्यूज़ आ गए थे, तो ज़्यादा नहीं आए थे। और गाइस, उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए मनोज भाई भी अपना चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए, तो अब देखिए मनोज भाई और मेरा टॉपिक जो था ट्रेंडिंग टॉपिक, और मनोज भाई उधर कर दिए, तो एक तरफ से तो मेरा ट्रेंडिंग टॉपिक में चैनल बूस्ट हो रहा था धीरे धीरे, बट जब उधर से बूस्ट मिल गया तो मेरा चैनल डबल बूस्ट में चल गया और बहुत ही अच्छा मतलब चैनल ग्रो में अब धीरे धीरे उठ रहा था। तो गाइस देखिए, वो जो मेरा टॉपिक था और मनोज भाई था, तो देखिए मनोज भाई अगर बोलते हैं और मैं भी आप लोग को कितना भी बोल दूं, बट गाइस जब तक नहीं आप लोग ऑडियंस मतलब आप लोग का सपोर्ट मिलता मुझे, तब तक तो कुछ होने जाने वाला नहीं था, ये मुझे पता है। तो आप लोग का तो सबसे ज्यादा इसमें सपोर्ट है तभी जाकर कुछ हुआ। तो गाइस, आप लोग अब सोचते हो कि इतना ज्यादा चैनल बूस्ट में कैसे गया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा चैनल बड़ा हो गया, बट गाइस मेरा जितना भी आता है मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, इतना जो अगर मेरे लिए अगर 5वीं व्यूज आते तो वो मेरे 500,000 के बराबर है, ठीक है। तो गाइस मेरा अभी जितना भी आता वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। तो गाइस पहले तो आप लोग का मतलब ये कन्फ्यूजन दूर करना था कि आखिर मेरा चैनल इतना बूस्ट में कैसे गया। तो गाइस, एक तो ट्रेंडिंग टॉपिक था, ऊपर से मनोज भाई का सपोर्ट, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा, मनोज भाई का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था, और गाइस ऊपर से आप का सपोर्ट, वो तो मतलब एकदम
पहले में काम करता है जो आप लोग का सपोर्ट है। तो गाइज यही जो तीन रीजन था उसी को मैंने बताया, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि कोई ट्रिक्स है या फिर कुछ है जो ये आगे बढ़ गया, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। आप लोग मतलब तीन ही रीजन है, आप लोग का और मनोज भाई का और मेरा टॉपिक, ये तीन चीज का सपोर्ट से मेरा चैनल खड़ा हुआ। और टाइटल थंबनेल ये सब तो काम है, ये सब कोई ट्रिक्स नहीं है कि ट्रिक्स से चैनल बड़ा हो जाता है, ठीक है। टाइटल थंबनेल टैग्स ये सब कुछ काम है और टॉपिक भी काम है। बट गाइज मेरा टॉपिक और ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक था पबजी बैन वाला और मनोज भाई का सपोर्ट और आप लोग का सबसे बड़ा जो सपोर्ट है आप लोग का, ये तीन कारण से ही मेरा चैनल खड़ा हो पाया है, वरना मेरा चैनल आज कुछ नहीं रहता। सो गाइज आज का वीडियो में तो ज्यादा कुछ था नहीं, और गाइज कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कल मैं चल गया था थोड़ा लैपटॉप देखने, ठीक है, और लैपटॉप वो मिला नहीं, तो कल वीडियो आप लोग को मिल जाता लैपटॉप वाला, बट गाइज मिला नहीं, तो देखते हैं। और गाइज आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा 10K होने वाला है। और गाइज 10K हो जाता है तो उसके बाद फिर जैसे मैं काम करता हूँ वैसे ही फिर रेगुलर करता रहूंगा। तो चलिए आज का वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।